अम्मा, आप रोड डिमोलिश के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अच्छा काम हुआ उसका। और मैं उमर फारूक मजीद के पास रहती हूँ, मीर के दरी के पास, जो वहाँ पे रोड आने जाने को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी जो मरम्मत करे जो असद अली साहब और मुमताज़ खां, मैं उनका दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि जो बहुत अच्छा काम करे। और रमज़ान में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी बाहर जाने निकलने आने को, और फिर जैसे तो जिसके इंतकाल होगा मौतें भी बहुत वो हो रहा था। बहुत अच्छा काम करे, बहुत उनके तहे दिल से मैं शुक्र अदा करती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मुमताज़ अहमद खान साहब और असद साहब वो काम गलत करे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं 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 बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे। ये रोड के बारे में उसका तो बहुत हर जगह रोड के बारे में जो कार्रवाई चल रही बहुत अच्छी। आप कितने साल से रहते मजीद उमर फारूक के पास? मैं बहुत 10-15 साल से रहती हूँ। अब कुर्सी को सहूलत तो मिली ना? हाँ, बहुत सहूलत मिली, बहुत बहुत अच्छा काम हुआ, रोड बहुत अच्छी बढ़ गई, आना जाने को बहुत सहूलत हो गई। साहब का और मुमताज़ खान का मैं तहे दिल से अपनी शुक्र अदा करती हूँ हम सब तमाम की तरफ से, कि ये रोड जो डाल के बहुत सहूलत काम कर बहुत रोड डुमालिश हुई, उस पर आपको क्या कहना है? माशाल्लाह मेरे को तो बहुत अच्छा दिखा, क्यों बोलते हैं ट्रैफिक आती थी कब्रस्तान का, कब्रस्तान में भी डोले वोले आते थे, प्रॉब्लम होती थी, पब्लिक को भी जाने प्रॉब्लम होती थी, एम्बुलेंसों की भी प्रॉब्लम होती थी। जो भी हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखा उनको। आज असद साहब जो करने लगाए और मुमताज़ साहब भी ठहर के माशाल्लाह बहुत अच्छा कराए। अब आपको कैसा महसूस हो रहा साहब, जब रोड को देख रहे हैं तो आप रोड खुली दिख रही है? मेरे को तो इतना अच्छा दिख रहा, दो कुएं बन गया सर का दिख रहा है मेरे को। लोगों का कहना है कि ये काम गलत हुआ, माशाल्लाह साहब ठहर के बहुत ज़बरदस्त करा है माशाल्लाह। तो ये रोड डुमालिश करे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत दिनों से जो है सो अपन यहाँ से आते जाते रहते, घर खरीद में ही है पीछे मकौलपुर का, एम्बुलेंस की वो मुश्किल होती, एक्सीडेंट आ कई होते, आधा आधा घंटा लेडीज ठहर जाना पड़ता, कई परेशानियाँ होती। असद साहब जो भी काम करे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करे, हमारे मुमताज़ साहब जो है आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप लोग खुद ही देखिए, आप लोग की जो है कुछ प्रॉब्लम होता था जाने को? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त हुआ, सामने कब्रस्तान है, डोले वगैरह आते कई टाइम हो जाता था, खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ जी। और बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू, मैं सोशल वर्कर सफिया माही, एनजीओ नारी निकेतन प्रेसिडेंट। आज ये मीर के दायरे से गुजर रहे थे, यहाँ पर जो डिमोलिश हुआ उसको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर कुछ गैर कानूनी शॉप्स भी थे और कई लोग यहाँ पर, एक कब्रस्तान है यहाँ पर, कई मैयतों को आने के लिए परेशानी हो रही थी और रोड पर ट्रैफिक घंटों जाम हो जाती थी, कई बार तो हमको यहीं घंटों यहीं हमको भी रुक जाना पड़ा। और उस दौरान ये देखे कि कई लेडीज़ ये रोड पर कई बार गिरते हुए भी देखे, तो शुक्रगुजार है असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब और मुमताज़ अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये काम गलत करे। नहीं नहीं नहीं, ये काम बहुत अच्छा हुआ, इसके वजह से पब्लिक को भी थोड़ी परेशानी कम हुई, क्योंकि यहाँ पर कब्रस्तान है और मैयतों को आने के लिए तकलीफ हो रही थी, और ये जो गैर कानूनी शॉप्स है इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स थे। ये काम एक इनका बहुत अच्छा हुआ है काम, हम शुक्र गुजार है असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब और मुमताज़ अहमद सर के, क्योंकि यहाँ से बसेस जो चार मीनार का जो रास्ता बंद कर दिए थे, बसेस को जाने के लिए भी परेशानी हो रही थी, इसीलिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया।